हेलो स्टूडेंट्स, वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी स्मार्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस वीडियो स्टूडेंट्स, ये स्पेशली जो वीडियो है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एंड 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो आई नीड योर फुली कोऑपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स। वी कैन सिंपली राइट हियर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स सच एज अक्वाल्ट स्ट्रक्चर, acquired structure which is known as alimentary canal, alimentary canal and various accessory glands also include in human digestive system. Accessory glands are such as salivary glands, liver, extremely important gland in the human body, and even chemical factory, pancreas, and finally some intestinal glands. Such glands are participates in the human digestion. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको आप अच्छे समझिएगा, मैं एक एक पार्ट को वन बाय वन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉलोइंग ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट आता है एलिमेंट्री कैनल, देन उसके बाद में डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी आती हैं? सलावरी ग्लैंड्स। ये सलावरी ग्लैंड्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लीवर। लीवर जो है ह्यूमन की बॉडी की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसे हम केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है लीवर के बाद में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। देन लास्ट में फाइनली आती है हमारी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये सारी ग्लैंड जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ से हम वन बाई वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल क्या होती है? दैट मींस व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनल व्हिच स्टार्ट माउथ कैविटी एंड टर्मिनेट as to anus is known as the alimentary canal. It is a super coiled organ in the human body. Students, look at the whiteboard here. This is the a complete human alimentary canal. What is the alimentary canal? Which start mouth cavity and terminate as to anus, which has different components. ये students, ये जो आहार नाल है human डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये आहार नाल क्या होती है? जो माउथ से स्टार्ट हो रही है, देखिए ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और ये सुपर क्वाइल्ड होते हुए अंदर की तरफ देखिए पूरा क्वाइल्ड होते हुए एनस पे जाके वो एंड हो जाती है। इसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल अगर किसी एडल्ट पर्सन में इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये 8 to 10 meters होती है, 8 to 10 meters इन अ एडल्ट पर्सन। अब इमेजिन करिए कि 8 to 10 meters कितना होगा। दैट अभी हमने बताया कि एक सुपर क्वाइल्ड ऑर्गन है, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वाइल्ड है। तो एक एडल्ट पर्सन के अंदर इसकी जो लेंथ होगी 8 to 10 meters होती है।
और इसके वेरियस पार्ट होते हैं जहाँ पर फूड अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया गया है एलिमेंट्री कैनल के बारे में। तो अब बताइए, पहले एलिमेंट्री कैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ आती कि एलिमेंट्री कैनल क्या होती है। तो अभी मैंने बताया कि विच स्टार्ट माउथ कैविटी एंड टर्मिनेट आस टू आनस म्यूजिंग अबाउट 8 to 10 meters इन अ एडल्ट पर्सन विच हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब यहाँ से हम एलिमेंट्री कैनल के कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे कि एलिमेंट्री कैनल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल, कैनल का जो फर्स्ट पार्ट है, द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज द माउथ कैविटी, माउथ, माउथ कैविटी दैट मीन्स बकल कैविटी, माउथ कैविटी। सेकेंड फेरनिक्स, फेरनिक्स, फेरनिक्स इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर म्यूजिंग अबाउट 12 टू 13 सेंटीमीटर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ फर्स्ट नेसोफेरनिक्स, नेसो, नेसोफेरनिक्स, नेसोफेरनिक्स, ओरोफेरनिक्स, ओरो फेरनिक्स, ओरोफेरनिक्स एंड थर्ड लैरिनोफेरनिक्स, लैरिनो, लैरिनोफेरनिक्स। स्टूडेंट्स फेरनिक्स जो होती है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसका मीन्स है कि फेरनिक्स के 3 पार्ट होते हैं। ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसकी लंबाई जो होती है ये 12 टू 13 सेंटीमीटर होती है। इसी फेरनिक्स से यहाँ से एयर भी पास होगी और फूड भी यहीं से पास होगा। ये दोनों रूट एक इसी से होते हैं। यहाँ से एयर भी पास हो रही है और फूड भी यहीं से अपनी जर्नी को पास कर रहा है आगे से। तो यहाँ देखिए नेसोफेरनिक्स है, ओरोफेरनिक्स है एंड लैरिनोफेरनिक्स है। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द ओसोफेगस, 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 ओसोफेगस। ये ओसोफेगस जो होती है नेक एंड थोरस को क्रॉस करते हुए स्टमक के लेफ्ट साइड में आके ये ओपन हो जाती है। देन इसके बाद में अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टमक, स्टमक। तो स्टमक जो है ये फूड स्टोरेज एक टैंक है जहाँ पे फूड जो है 4 to 5 घंटे यहाँ पर रुकेगा स्टमक में। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इज द इंटेस्टाइन, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से हम इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडेनम, डियोडेनम, डियोडेनम। सेकेंड पार्ट जेजुनम, जेजुनम। एंड लास्ट पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, इलियम। एलिमेंट्री कैनल लास्ट पार्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव 3 पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव 3 पार्ट्स। नाउ फर्स्ट पार्ट कॉल्ड सीकम, सीकम, कोलन, कोलन एंड रेक्टम, एंड रेक्टम, एंड रेक्टम। स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्री कैनल के वेरियस पार्ट्स हैं। अब मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाउ रिपीट माई टॉपिक अगेन, वॉट इज द एलिमेंट्री कैनल विच स्टार्ट माउथ कैविटी एंड टर्मिनेट आस टू आनस। इट इज अ सुपर कॉर्ड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी म्यूजिंग अबाउट 8 to 10 meters विच हैज डिफरेंट कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द माउथ कैविटी, फेरनिक्स, फेरनिक्स इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर म्यूजिंग अबाउट 12 to 13 centimeters विच इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू 3 पार्ट्स। नाउ फर्स्ट नेसोफेरनिक्स, ओरोफेरनिक्स एंड द लैरिनोफेरनिक्स। नाउ ओसोफेगस, ओसोफेगस इज द क्रॉस नेक एंड गोज इन टू द स्टमक एंड फाइनली ओपन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक। ये स्टमक के लेफ्ट साइड में आके ही ओपन हो जाती। नाउ इट इज द स्टमक, स्टमक इज द फूड स्टोरेज टैंक, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर और इसी में फूड आके स्टोरेज हो जाएगा। इसीलिए स्टमक को बोलते हैं कि इज अ फूड स्टोरेज टैंक। अब यहाँ से नेक्स्ट मूव करेंगे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इज द
क्वाड स्ट्रक्चर, इंटेस्टाइन्स डिवाइड इंटू टू पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ सुपर क्वाड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट कवर 6 to 7 meters. 6 to 7 meters. So small intestine is a quad structure. Small intestine also divided into three parts. Duodenum. Duodenum is the first part of the small intestine. Jejunum and ileum. Large intestine. So large intestine also have three parts. Cecum, colon and the rectum. Cecum, colon and the rectum. ये सारे part जो थे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के पार्ट थे. तो अब हम एलिमेंट्री कैनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी ग्लैंड थी और इस डायग्राम को हम कंप्लीट लेबल करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ पर अटैचमेंट है इन ग्लैंड्स में. तो अब यहाँ से सबसे पहले आप इसमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का जो डायग्राम है इसको आप हमको प्रैक्टिस करना है 2-3 बार इसको क्लियरली, और सारे लेबल इसमें हमें कन्फर्म आने चाहिए. तो अब इसको हम लेबल के थ्रू समझेंगे कि ये जो कम्प्लीट डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का है और इस कैनल में जितनी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो सब आपस में अटैचमेंट है. Now first part is the alimentary canal, is the mouth cavity, mouth cavity also called buccal cavity, salivary gland is the three pairs, largest salivary gland is the known as parotid glands, submandibular gland, sublingual glands, oesophagus is open here. Oesophagus, stomach, shack-like structure, pancreas, associate gland, important gland, irregular shaped, liver, chemical factory of the human body, and even largest gland in the human body, gallbladder, cystic duct is open here, cystic duct, common bile duct, small intestine, first part is the open here is known as duodenum. Jejunum is the mid part of the small intestine. After death, this part is vacant. Jejunum. Large intestine. Cecum. This is the cecum. Vermiform appendix, vestigial organ in the human body. Vermiform appendix. Rectum. And finally, anus. Students, ये complete ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है जिसके वेरियस ऑर्गन्स यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल के साथ में कंप्लीट एसोसिएटेड हैं. तो ये एलिमेंट्री कैनल है. अब यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कौन कौन से ऑर्गन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और डाइजेशन में जो है ये ऑर्गन्स कैसे हेल्प करेंगे. तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन के बारे में. What is the digestion? स्टूडेंट्स,
एज यू नो आपको पता है कि जब भी हम फूड सब्सटेंसेस खाते हैं तो फूड सब्सटेंसेस से हमें एनर्जी ऑब्टेंड होती है। अगर हमको एनर्जी कोई भी वर्क करना है तो ये वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी जो होती है हमें फूड सब्सटेंसेस से ऑब्टेंड होती है। तो ये जो फूड सब्सटेंसेस है वो हमारी एलिमेंट्री कर्नल के वेरियस पार्ट्स में आएगा।